रिश्वत केस में बचने के लिए पूर्व आयकर अधिकारी ने नदी में फेंका फोन, सीबीआई ने किया अरेस्ट। अहमदाबाद मेट्रो की लाइन से छूट रही यात्रियों की ट्रेनें, एएफसी गेट बढ़ाने की मांग। दक्षिण गुजरात में बदले मौसम के मिजाज, सूरत और वलसाड में झमाझम बारिश, किसान परेशान। अहमदाबाद में दारू की हाई प्रोफाइल पार्टी पर पुलिस की कार्रवाई, जाने माने बिल्डर के बेटे समेत 8 लोग गिरफ्तार। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने 2022 और 23 में टिकट चेकिंग रेवेन्यू में बनाया नया रिकॉर्ड। राजकोट में पति पत्नी ने सिर काट कर दी हवन कुंड में आहुति, गर्दन काट के खुद ही बनाया हथियार। अहमदाबाद में भीषण गर्मी, 108 आपातकालीन मामलों में वृद्धि, तेज बुखार, सिरदर्द, लू लगने के मामले में हुई बढ़ोतरी। कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले डंपरों के टायर अब धोने होंगे, एएमसी कमिश्नर ने जारी किया सर्कुलर। काम से घर जा रहे एक बैंक कर्मचारी की कार में घुसकर अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। अहमदाबाद से भावनगर रूट में हुआ बदलाव, धोलेरा की जगह अब अहमदाबाद से भावनगर होगा रूट। रेलवे ने मनपा को चुकाया 13 करोड़ का टैक्स। मेहसाना के राधनपुर सर्कल में अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम से राहगीर परेशान। आप नेता गोपाल इटालिया गिरफ्तार के बाद रिहा, केजरीवाल ने बताया बीजेपी की बौखलाहट। लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी अहमदाबाद की विंटेज कार, वायरल हुई तस्वीर। कर्नाटक में अमूल की लड़ाई पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल, कहा अमूल का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं। माठक किरण पटेल मेट्रो कोर्ट में पेश, पुलिस मांगेगी 10 दिन की रिमांड। अहमदाबाद में आज सोने का रेट 24 कैरेट के लिए 60,970 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के लिए 55,900 रुपए। सूरत के डबोली इलाके में रहने वाले एक बिल्डर का फर्जी आधार कार्ड बनाकर ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंटरव्यू का पेपर बचाने के चक्कर में युवक की गई जान, 3 बार चाकू से गोद कर की गई हत्या। घर के पास से गुजर रहे युवक को कचरा लदे तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत।